Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we'll talk about Civil Procedure Code 908. Guys, CPC में आज हम करने जा रहे हैं Order 2 को. Order 2 किस चीज को डील करता है? Frame of suit को. Guys, frame of suit में क्या होता है कि जब भी कोई person suit file करता है, उससे जो भी उसके cause of action है, उसे one by one जो भी fact है, वो mention करने हैं, frame करने हैं as a plaint में. ठीक? उसकी बात की गई है. तो गाइस सीपीसी में अब तक हमने सेक्शन 1 से 10 तक किए हैं एंड अब हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2. ठीक, ऑर्डर 2 का हमने गाइस पहले भी वीडियो बनाई थी रूल 1 से लेके रूल 3 तक. इसके जो टोटल ऑर्डर रूल्स है गाइस वो 7 रूल्स हैं. इसमें हम बात करेंगे जो अदर रूल्स रह गए रूल 4 से लेके रूल 7 तक. ठीक, तो गाइस ये देखिए रूल 4 क्या बोल रहा है कि ओनली सर्टेन क्लेम्स जो जॉइनर ऑफ पार्टीज है. ठीक, Joinder for means as a joinder of parties means as a joinder बनकर अगर आप कुछ claim करना चाहते हो certain claims कर सकते हो. किस में? Immovable property में. Guys फिर से बात बता रही हूँ, where act को मैं आज आपके साथ share करूँगी कि जब कोई person claim करना चाहता है किस में? Immovable property में, तो वो as a joinder certain claims कर सकता है. ठीक, एक मिनट भाई. हाँ ठीक है, ठीक. इसमें यही है कि क्या बोला गया है कि नो कॉज ऑफ एक्शन, आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनेगा. कब नहीं बनेगा? जब आप एज ए ज्वाइनर बनना चाहते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में, आपने उस सूट के लिए कोर्ट से परमिशन नहीं ली, तो आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता. ठीक, अगर आपने एज ए ज्वाइनर बनना चाहते हो तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी. बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दी गई है कि किन केस में आप एज ए ज्वाइनर क्लेम कर सकते हो सर्टन केसेस में. ठीक, फर्स्ट था गाइस हमारा मैसमियर प्रॉफिट. मैसमियर प्रॉफिट एंड एरियर्स ऑफ रेंट किसी भी प्रॉपर्टी का या फिर प्रॉपर्टी के किसी पार्ट का. मैसमियर प्रॉफिट हमने आपको पहले भी बताया था कि मैसमियर प्रॉफिट क्या होता है. ये एक हाउस है, ठीक, हमने एक हट की शेप दे दी. ये टेनेंट है, ठीक, ये ऑनर है इस प्रॉपर्टी का. अब क्या हो गया कि इसने ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है गाइस, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर. ठीक, अभी जो टेनेंट है गाइस इसने रेंट पे ली थी ग्राउंड फ्लोर. ठीक, अब इसने क्या किया, इसको भी साथ में विदाउट रेंट पे किए इस फर्स्ट पोर्शन को भी इसने यूज किया एंड जो प्रॉपर्टी है वो इसकी पोजेशन में है. ठीक, उसी चीज का जो ऑनर है उसी चीज का वो क्लेम करेगा मैसनी प्रॉफिट. ओके, एरियर्स ऑफ रेंट भी बोला गया है किसी प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टी के पार्ट का. दैट्स इट फॉर रूल 4 और इसका सब रूल ए. ए ही है भाई. हाँ, और इसके बी पार्ट में क्या बोला गया है? बी में बोला गया है क्लेम कर सकते हो डैमेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो किस चीज के. ए है, ठीक, ये बी है, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 50,000 पे करूंगा. ए ने बी को बोला आप मुझे 500 गुड्स पे रिसीव करना. ठीक, अभी ए ने बी के साथ प्रॉमिस किया था बट इसने क्या किया, सी को वो गुड्स डिलीवर कर दिए और इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट का. पेमेंट भी 50% ले ली एंड उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया. अब जो ए को डैमेजेस हुए हैं, ठीक, उस डैमेजेस को वो क्लेम कर सकता है किसी प्रॉपर्टी के या फिर प्रॉपर्टी के पार्ट का. तो इसमें बात कर रही हूं सब रूल सी की. सब रूल सी क्या बात करता है कि अगर आपका सेम कॉज ऑफ एक्शन है उसमें भी आप क्लेम कर सकते हो. एक बार आपके साथ वेयर लैंग्वेज मैं कर देती हूँ शेयर. क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. ओके, अब बात करते हैं प्रोविजन. इसमें एक प्रोविजन दी गई है प्रोवाइडेड. ठीक, उन्होंने बोला है कि भाई आपको कोर्ट परमिशन देती है, आपको कोर्ट परमिशन देती है, आपको बाढ़ नहीं है. कब नहीं बाढ़ है ये देखो, जब आप किसी पर्सन ने को प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उस प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए फोरक्लोजर या फिर रिडम्पशन का सूट फाइल
करते हो तो आपको कोर्ट परमिशन देती है, उसमें बात नहीं है। रूल फोर बोल रहा है, ये तो हमारा रूल फोर, दैट्स इट, इतना ही है। अब बात करती हूँ रूल फिफ्थ की। रूल फिफ्थ क्या बात कर रहा है, इसी से रीडिंग कर देती हूँ। चलो, क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल हायर्स, आप इनके द्वारा या इनके अगेंस्ट भाई क्लेम नहीं ले सकते। किन से? एग्जीक्यूटर से, एडमिनिस्ट्रेटर से और लीगल हायर से। यहां पर मान लो कि यहां पर पी का एच के साथ कोई सूट चल रहा है, अभी एन इसका सन है एच का, तो गाइस सूट इनका चल रहा है, अगर उसके बाद ये चाहे कि हाँ भाई जो क्लेम है तो मैं इसे भी ले सकूं, तो गाइस ये क्लेम नहीं कर सकता। ठीक, ये था हमारा रूल फिफ्थ। अब रूल सिक्स की बात कर रही हूँ। रूल सिक्स हमने ऑलरेडी रीड आउट किया हुआ है कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई जो पार्टी है गाइस, ड्यू टू पार्टी की रीजन से कारण जो ट्रायल है वो डिले हो रहा है, एम्बेरस हो रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप अपना सेपरल ट्रायल कीजिए। ठीक, इतना ये है हमारे रूल सिक्स में। रूल सेवन क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन की बात की है कि ऑब्जेक्शन जो है वो मिस ज्वाइंडर पार्टी ले सकती है, ऑब्जेक्शन एज ए मिस ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर किसको बोला गया है, अननेसेसरी पार्टी को। जब भी कोई सूट फाइल हुआ है उसमें कोई पार्टी रखा गया है किसी पर्सन को, मान लो पी ने कोई सूट फाइल किया अगेंस्ट 10 डिफेंडर, इसमें जो 8 नंबर का डिफेंडर है उसे पार्टी बनाया नहीं बनाया एक बात है, वो अननेसेसरी मिस ज्वाइंडर है, मींस अननेसेसरी पार्टी है। तो इसमें क्या है कि उस पर्सन को ऑब्जेक्शन ले सकता है, ही हैज अ राइट। कब ले सकता है, अर्लियर पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी, सॉरी अर्लियर अपॉर्चुनिटी, जितनी भी उनके पास जल्दी अपॉर्चुनिटी होगी ट्रायल में, अर्लियर अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग ट्रायल वो ले सकता है, जब सेटलमेंट हो तब ले सकता है, जब इश्यू फ्रेम हो तब भी जो मिस ज्वाइंडर है वो ऑब्जेक्शन ले सकता है। दिस इज द रूल सेवन। ठीक गाइज, ये थे हमारा आज का वीडियो ऑर्डर टू रूल फोर से लेके सेवन तक। गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज हमारा टीचिंग भी अच्छा लगता है, तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।